आज मैं आप लोगों के साथ, ये तो धनिया पत्ती है, मिर्च है, टमाटर है और दो चार कली लहसुन की होगी, ये चटनी बनाऊंगी। और यहाँ पे उबाल लिया है सिंघाड़ा, सिंघाड़े को छील लिया है मैंने। तो ये रेसिपी आप कभी कड़े मानिकपुर शीतला माता मंदिर जाओ दर्शन करने, तो रास्ते में बसों में छोटे छोटे दोने में बना के बेचते रहते हैं, और मुझे वहीं पे बहुत अच्छी लगी थी, तब से मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, ये मैंने बॉईल करके छील के सिंगाड़ा रख लिया है। अब मैं चटनी बनाने चल रही हूँ, तो पहले चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने काट लिया है टमाटर, हरी मिर्च डाल दें जितना तीखा आप खाना चाहते हैं, ये धनिया पत्ती डाल दें, नमक डाल दे रहे हैं, और तीखा करना चाहते हो जरा से लाल मिर्च भी डाल दो, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे, आप चाहो जरा सा अमचूर भी डाल सकते हो, और करें बंद और पीस लेते हैं। तो ये पीस लिया है, इसको डाल लेते हैं सीधा सिंगाड़े में। ये मैं बना रही हूँ सिंघाड़ा चाट चटनी के साथ में, इसी तरह से मिलता है वहाँ, चटनी अलग से ऐसे देते हैं या फिर कई लोग मिला देते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से मिला लें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं और नमक कम हो तो और डाल लें, चटनी और ज़्यादा मिलाना चाहते हो तो और मिला लें। जिसे सिंघाड़े का टेस्ट पसंद है उसे बहुत अच्छा लगेगा, बना के देखना और अपने कमेंट बॉक्स में लिखना आपको कैसा लगा।